तो वेलकम बैक आर्टिटेक में आपको स्वागत है। आज का जो ट्यूटोरियल है उन स्टूडेंट लोग के लिए है जिनको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता है। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम के लिए कंप्यूटर कोई भी कोर्स एडमिशन किए हो और आपको कंप्यूटर का पार्ट्स क्या है, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कौन से पार्ट्स का कनेक्शन कहाँ पर होगा, ये सब आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो उन्हीं स्टूडेंट लोग के लिए मैं आज ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। सो प्लीज़ आप को अगर इस सब के बारे में अगर पता नहीं है तो आप ये ट्यूटोरियल के जरिए से आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो इसको मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए से आपके पास लाया हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा डायग्राम्स है और इसका कनेक्शंस है। मैं इसको आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर रेडी है। प्रेजेंटेशन को मैं ऑन किया हूँ, आप प्रेजेंटेशन के साथ में भी इसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद अब ये जो प्रेजेंटेशन है खास करके उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पहला स्लाइड है जिसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कुछ कंप्यूटर का इमेज यहाँ पे डाला हुआ हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के और देखते हैं एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है। पहला हम जो इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं वो डेफिनेशन पार्ट है। तो बुक के हिसाब से मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, एक मशीन है। सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, पर आज के डेट में अगर हम लोग उसको देखने जाएं तो उसमें क्या था पहले हिसाब से कि इसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कुछ सिक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली करेगा, उसका जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसके हिसाब से। पर आज के डेट में इसका मीनिंग कुछ बदल गया है। तो इसको इस तरीके से आजकल ट्रेन किया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि हर काम जो हम लोग भी कर नहीं सकते उसको तुरंत मतलब करके देता है। तो डेफिनेशन पार्ट में आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, आप बस इसमें से देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन पार्ट है इसको मैं क्या किया हूँ, अलग से इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ, खास करके कंप्यूटर जो वर्ड है। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा चीज़ को हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में नहीं आता है। तो हम उसको अगर पार्ट्स पार्ट्स करके अगर डिवाइड कर देते हैं और उससे अगर अलग अलग मीनिंग निकालेंगे तो उससे क्या होता है, हमको कंप्लीट नॉलेज भी मिल जाएगा और ऊपर से वो समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो कम प्लस पू और टर, तो इसका मतलब होता है कम का मतलब कम्प्लीट, पू का मतलब होता है परपोज और टर का मतलब होता है टर्मिनल। तो एक ऐसा टर्मिनल है कंप्यूटर जिसको हम लोग सभी पर्पोज में आज यूज करते हैं। आप खुद बताइए ऐसा कौन सा जगह नहीं है जहाँ पे आज के डेट में कंप्यूटर नहीं होता। इवन एजुकेशन से लेके रिसर्च से लेके मेडिकल हॉस्पिटल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इस तरीके से डिफाइन किए क्योंकि आज के डेट में सभी पर्पोज में यूज होता है कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने इसको बनाए थे 1833 में इसको निकाले थे। तो इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर जाना जाते हैं चार्ल्स बाबेज। अगर हम लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर इसका फिक्स फुल फॉर्म नहीं है, पर हर यूजर अपनी यूज के हिसाब से इसको अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, सी का मतलब है कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब है मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज्ड फॉर, T का मतलब होता है ट्रेनिंग, E का मतलब है एजुकेशन, R का मतलब रिसर्च। अगर आप एक साथ सारे वर्ड को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस आपको मिल जाएगी। जैसे कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च हम बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इससे पहले हमको जानना है ये जो कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, बिल्डिंग ब्लॉक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, आपका मेन कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या पार्ट है, जिस चीज को पार्ट्स है जिसको लेके हमारा कंप्यूटर बनता है। तो खास करके मैं यहाँ पे इसको लिस्ट किया हूँ, आप देख सकते हो पहला पार्ट जो होता है पावर सप्लाई, नेक्स्ट आपका यूपीएस आ जाएगा और इन्वर्टर लगा सकते हो, नेक्स्ट आपका सीपीयू आ जाएगा जिसको हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं, उसके बाद आपका मॉनिटर आ जाएगा, फिर कीबोर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपका माउस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसका कनेक्शन कैसा होगा। तो जैसे भी मैं यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हूँ, आपका पहला जो है पावर सप्लाई, आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो रहता है
पावर सप्लाई से आपका आ जाएगा यूपीएस में। यूपीएस का मतलब है आपका अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। और उसके बाद यूपीएस से आपका दो जगह जाएगा, एक मॉनिटर में जाएगा पावर, और दूसरा जो है आपका सिस्टम यूनिट सीपीयू में जाएगा। सीपीयू से आपका कनेक्टेड होगा कीबोर्ड और एक तरफ कनेक्टेड होगा माउस आपका। ये तो आपका कनेक्शन पार्ट हो गया है, पर क्या आपका मॉनिटर और सीपीयू दोनों कनेक्टेड हुए हैं क्या? क्योंकि आप जब तक एडमिशन नहीं करोगे, हम दोनों के बीच में अगर कुछ लिंक नहीं होगा, जैसे कि आप मेरे चैनल में नहीं आओगे तो क्या आप वीडियो देख पाओगे क्या? नहीं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना मॉनिटर और सीपीयू जो है उसको कनेक्ट करते हैं एक केबल के जरिए से। और जो केबल आज के डेट में यूज करते हैं वो है HDMI, और एक दूसरा केबल जो है वो होता है आपका VGA केबल। तो VGA का मतलब होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, और HDMI का मतलब होता है आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आप अगर VGA केबल यूज करते हैं तो सिर्फ वीडियो ही आपका ट्रांसमिट हो सकता है, पर इसके साथ में ऑडियो नहीं जाएगा। आपको ऑडियो के लिए अलग केबल डालना पड़ेगा। अगर आप HDMI लगा रहे हो तो बोथ आपका क्या वीडियो एज वेल एज ऑडियो एक ही केबल में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का केबल यूज करना चाहते हो। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये कनेक्शन पार्ट था। पावर सप्लाई से यूपीएस, यूपीएस से आपका मॉनिटर, सीपीयू, सीपीयू में आपका कनेक्ट होता है कीबोर्ड और माउस। अब ये भी सवाल आ सकता है आपके माइंड में, सर कीबोर्ड और माउस को क्यों हम लोग अलग से पावर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं? सिंपल से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपका जो फिंगर है, ये जो फिंगर है ये आपका डिफरेंट पार्ट्स है आपका, ये जो है ये मेन पार्ट है। तो मैं क्या अलग से ये फिंगर को बोलता हूँ कि फिंगर ले थोड़ा, तू कुछ एनर्जी ले ले खा ले बोल के? ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पार्ट्स है जैसे कि आई हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, जो भी है ये क्या होता है, इनको जितना भी एनर्जी चाहिए, जितना भी पावर चाहिए, ये लोग क्या करते हैं, मेन एनर्जी सोर्स जो है हमारा यहाँ से, वो क्या करता है वहां से कंज्यूम कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कीबोर्ड और माउस जो है इसको सीपीयू के साथ ही देते हैं, क्योंकि ये कमांड भी लेता है उनसे। तो इसीलिए भी हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड और माउस को सीपीयू के साथ में देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब आ जाते हैं इसके बारे में डिटेल्स, थोड़ा जानते हैं और क्या है आपका मीनिंग, डिफरेंट कंपोनेंट जो है। जैसे कि आपको यूपीएस के बारे में बताया, तो यूपीएस क्या है? यूपीएस जो होता है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो मान लीजिए, और सडन आपका करंट चले गई है, तो क्या होता है आपका कंप्यूटर तुरंत शटडाउन होने का चांसेस रहता है, जिससे क्या होगा आपका डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो मे बी आधा से कट जाएगा, आप मान लीजिए गलती से उसको सेव भी नहीं किए हो, तो ऐसे केस में दिक्कत होता है। तो यूपीएस क्या करेगी, आपको 5 से 10 मिनट आपका बैकअप, जितना भी कैपेसिटी है उसका उतने टाइम तक का आपको कंप्यूटर को ऑन करके रखेगी, और आप जो भी काम कर रहे हो उसको क्लियरली उसको सेव करके आप फिर कंप्यूटर को सही तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इसका सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास यूपीएस नहीं है, ठीक है, और आप डायरेक्ट ही कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे कि करंट चले गया तो सडन आपका कंप्यूटर बंद हुआ। तो इसमें भी पार्ट्स लगा हुआ है, मैं बोला हूँ जैसे कि हमारा बॉडी का पार्ट्स है। जैसे इसका इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए मैं थर्ड फ्लोर चढ़ के गया हूँ और मेरे को कोई नीचे बुलाया, मतलब मेरे को आना है नीचे, जैसे कि ऑन है ऑफ होना है, तो क्या मैं डायरेक्ट थर्ड फ्लोर से छलांग लगाऊंगा? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, क्योंकि मेरा कोई भी पार्ट्स डैमेज हो सकता है, मे भी हाथ पैर टूट सकता है, और कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमको सिस्टमेटिक वे में उसको कंप्यूटर को सेम जो भी डाटा है उसको सेव करना है, और कंप्यूटर को सिस्टमेटिक वे से शटडाउन भी करना है। तो इसीलिए जरूरी है आपका एक यूपीएस और इन्वर्टर। आप अगर घर में इन्वर्टर लगाए हुए, यूपीएस का भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड जो है, यहाँ पे आते हैं आपका सीपीयू। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे जितना भी पार्ट्स कनेक्टेड है ये सारे के सारे ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड हुआ है। तो जो भी कंट्रोल जैसे कुछ भी होता है ये करता है, तो सारे के सारे फीलिंग्स कहाँ पे जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो फिर ब्रेन ही कंट्रोल करता है उसको, यहाँ जाना है, ये करना है, वो नहीं करना है, इसको सुनना है, इसको नहीं सुनना है, सर क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी टाइप का हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। आ जाइए उसके बाद थर्ड वन जो है मॉनिटर। मॉनिटर को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस टू व्यू द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल का स्क्रीन जो है,
यहाँ डिस्प्ले आता है। ऐसे तो अंदर में बहुत सारी चीज़ लगा हुआ रहता है, पर जब तक आपका डिस्प्ले नहीं रहेगा, क्या आप उसको, क्या भी चल रहा है उसके अंदर में आप देख पाओगे क्या? जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको, एक्सप्रेस करके नहीं दिखाऊंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी टाइप का हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर सिर्फ रिजल्ट को देखने के लिए ही यूज किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग बोलते हैं कि इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए से डाटा और इन्फॉर्मेशन इनपुट किया जाता है। कहाँ पे? प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू में जाता है। तो आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है, तो आपके पास टच वाला भी, अगर टच पैड भी है तो वो भी काम आ जाएगा, या तो कोई भी वॉइस इनपुट भी अगर हो सकता है तो आज के डेट में वो भी वैलिड है, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है आपका माउस है। तो इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, और कई लोग इसको इनपुट भी बोलते हैं ऑब्वियसली। और ये खास करके आपका कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, या कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पे जाके क्लिक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं माउस का। मैं इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक बनेगा हर चीज़ का, आपका कीबोर्ड का, माउस का, मैं इसको बाद में बताऊँगा आपको। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए। पावर सप्लाई तक खत्म हो गया, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पता चल चुका है। आगे देखते हैं अब है स्टेप, कैसा आपको कंप्यूटर को ऑन करना है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि कैसे कैसे आपको कनेक्शन करना है, कनेक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, सबका काम मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों उसको यूज करते हैं। तो आपका पहला काम जो है आपका जो पावर का बटन है उसको ऑन करना है, स्विच ऑन करना है। उसके बाद में आपका जो सीपीयू जो दिखाया था, सीपीयू का भी एक पावर बटन है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पावर बटन मैं लिया हुआ हूँ, तो ये जो पावर बटन है इसको आपको दबाना है, प्रेस करना है। ये सभी जगह आपको मिलेगा, ये जो पावर बटन है सभी में। उसके बाद थर्ड जो है आपका सीपीयू और मॉनिटर का जो पावर बटन है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप पावर बटन प्रेस करते हो एक लाइट जलेगी, देखना अगर लाइट नहीं आ रही है मतलब आपका सिस्टम ऑन नहीं हुआ है अभी तक का। कोई भी अगर लाइट आ गया मतलब आप जान लीजिए कि वो ओके है, डिवाइसेस चल रही है, मतलब सिस्टम ऑन होने वाला है। तो जैसे आप पावर बटन ऑन करते हो आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस होता है। जैसे कि आप मान लीजिए अभी क्लास में एंट्री किए हो, और जैसे ही एंट्री किए, क्या मैं आपको तुरंत कुछ काम दे दिया क्या, ये करो वो करो, लिखो आओ ये करो वो करो, ऐसा तो नहीं होता है। आप पहले आते हो, रिलैक्स होते हो, दो चार मिनट अपना रेडी कर लेते हो, सब सिंपल चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मार्केट का बात करता हूँ, कोई सब्जी वाला है जो सब्जी बेचने गया है मार्केट में, और बस ऐसे ही जाके पहुँचे हैं और आप सब्जी खरीदने के लिए पहुँच गए, और बोलते भैया मेरे को ये दे दो वो दे दो, क्या वो तुरंत आपको सब कुछ दे पाएगा क्या? नहीं। पहले क्या करते हैं, अपने जो भी सामान है उसको एक जगह सब इधर उधर करके सजा के रखते हैं, उसके बाद में आपको जो चाहिए वहाँ से आप निकालने का आपको दोगे, फिर वो उससे काम करते हैं। तो उसी टाइप का हमारा प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट्स है। मैं तो आपको ऊपर पार्ट्स बस बताया हूँ, पर अंदर का कंपोनेंट्स के बारे में आपको नहीं बताया हूँ, क्योंकि ये हार्डवेयर में आएगा आपका। तो हार्डवेयर का जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा हार्डवेयर होता क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप कुछ टाइम तक वेट किए, फ्यू सेकेंड्स, तो आपका कंप्यूटर कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया है। अब जैसे आपका कंप्यूटर कम्प्लीटली स्टार्ट होता है, तो आपका द वेलकम विंडो जो आ जाएगा, फर्स्ट स्क्रीन जो आएगा, अगर आप कोई अकाउंट्स है आपका उसमें कंप्यूटर में, तो आपका कोई पासवर्ड वासवर्ड दिए हैं तो पासवर्ड भी आपको डालना पड़ता है, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं दिए हो तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो पहला जो स्क्रीन आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। तो बढ़ते हैं आगे, फिर आगे की स्लाइड में क्या है देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूशन साइकिल, ये तो कनेक्शन हो गया है, अब कंप्यूटर कैसे काम कर रही है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमको लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो खास करके हम जो भी हैं सारे के सारे एक साइकिल में काम करते हैं। साइकिल मतलब ये नहीं है कि आपका कोई हीरो साइकिल, बाई साइकिल, ऐसा कुछ। साइकिल का मतलब एक प्रोसेस जो होता है जिसमें आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईपीओ साइकिल के बारे में। आईपीओ का मतलब होता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आपको पहले से ही मैं बताया हूँ कि आपका कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस होता है, मैं बोला था आपको। तो इनपुट से क्या होगा, आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन आपके सीपीयू के अंदर में जाएगा, और सीपीयू को ब्रेन बोला था, तो ब्रेन में क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग होगा। जैसे कि आप कुछ बोले तो मैं क्या किया, इनपुट लिया, उसको कहाँ पे गया, मैं ब्रेन में गया, और ब्रेन में मैं क्या किया, उसको प्रोसेसिंग किया। अब क्या हुआ, फिर आप मेरे को दोबारा पूछे, सर मैं क्या बताया था, जैसे मैं उसको बताऊंगा आपको सही तरीके से, तो वो हो गया आउटपुट। तो इनफैक्ट नॉट ओनली मशीन बट ईच एंड एवरी पर्सन और एवरी थिंग्स, लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, इन द वर्ल्ड
ओनली ऑपरेट इन आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जब तक का आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आप कुछ प्रोसेसिंग भी नहीं करोगे। अगर आप कुछ प्रोसेसिंग भी नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो इनपुट किससे देते हैं हम लोग? कीबोर्ड के जरिए से इनपुट देंगे। प्रोसेसिंग किसमें होगा? सीपीयू में प्रोसेसिंग होगा। आउटपुट किसमें मिलता है हम लोग को? मॉनिटर में मिलता है। तो यहाँ फिर आगे जाके देखते हैं, कंप्यूटर बेसिकली ऑपरेट इन आईपीओ साइकिल। जो मैं आपको समझाया उसी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट प्रोसेसिंग पार्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर प्रोसेसिंग पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आउटपुट भी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये था आपका कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेजेंटेशन था मेरा कंप्यूटर ऑन होने तक का। बस कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम क्या है, बेसिक पार्ट्स क्या है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। ये आपका स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन अभी देख रहे हो, ये पहला स्क्रीन, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद में आपके पास ये स्क्रीन आएगा। और मैं डेस्कटॉप के बारे में एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको बताया हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के क्या क्या कंपोनेंट्स सारे हैं। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पे शटडाउन का प्रोसेस बता देता हूँ। आपको अगर शटडाउन बोला जाए तो कभी भी पावर बटन को डायरेक्ट ऑफ मत करना। मैं इसका एग्जाम्पल पहले से दिया हूँ, जैसे कि आप थर्ड नंबर फ्लोर में हो और आपको नीचे आने के लिए बोला गया तो आप डायरेक्ट जंप मत मारना। उससे क्या होगा, आपका जो डिवाइसेस है, पार्ट्स है, उनमें भी डैमेज होने का चांसेस है। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है, आपका जो भी एप्लीकेशंस ओपन हुआ है, जितना भी प्रोग्राम्स है, जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम में ओपन किया हुआ हूँ, ट्रांसफर में आप देख सकते हो, तो इसको पहले आपको क्लोज करना है। क्योंकि मेरे को क्लास को बंद करना है, मान लीजिए, और क्लास के अंदर में कोई बच्चे हैं या कोई सिस्टम दो चार ठो यहाँ पे चल रही है। मैं क्या किया, कुछ भी बंद नहीं किया, किसी को बाहर नहीं किया और तुरंत गया और बाहर का शटर खींच दिया। तो इससे क्या होगा, जो अंदर का जो रह गए हैं जो एप्लीकेशन, मे भी अगले दिन तक का उनका हालत क्या होगा मेरे को पता नहीं है। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको एनी हाउ आपका जितना भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे आपका स्क्रीन में रन हो रहा है उसको आपको पहले क्लोज करना है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन किया हूँ, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क बार में है, ये क्लोज नहीं हुआ है। ये यहाँ पे दिखा रहा है पर क्लोज नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं, पर मैं नीचे वाला क्लोज नहीं करूंगा फिर फिलहाल, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद शटडाउन का जो प्रोसेस है, अभी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस है, 8 से 10 प्रोसेस है शटडाउन करने का। मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा सिर्फ शटडाउन करने का, उसका शॉर्टकट की कोड से कैसे किया जाता है, कमांड से कैसे किया जाता है, हाँ, उसको स्लाइड करके कैसे आप शटडाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं फिलहाल आपको इजी प्रोसेस बताता हूँ जो सबको पता है। स्टार्ट में जाना है, यहाँ पे आपके पावर बटन है, आप देख सकते हो पावर बटन में जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगी। तो शटडाउन और रिस्टार्ट दो ऑप्शन है, आपको शट डाउन करना है, आप शट डाउन में क्लिक कर सकते हो, शट डाउन हो जाएगी। मेरे को नहीं करना है फिलहाल, तो मैं बाहर में क्लिक कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और शॉर्टकट जो है ऑल्ट दबा के F4 प्रेस करना है आपको। ऑल्ट F4 जैसे दबाओगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन के लिए पॉपअप आ जाएगा, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो या तो शट डाउन ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये फंडामेंटल क्लास जो स्टार्टिंग है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हो सके तो आप हमारे यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, या तो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, चलते हैं। ओके, बाय।